सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैजिक के फ्रेगमेंट्स हमें फ्री फायर में मिल रहे हैं हर एक गेम खेलने के बाद, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले। जो पर गेम आप खेलते हो उसमें अगर आपको 3 मिलते हैं तो आपको 5 या 6 कैसे मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसके 2-3 ट्रिक्स हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की, ठीक है? तो नंबर 1 ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई मैच खेलो, ठीक है, जब भी आप कोई मैच खेलो तो आप उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। नंबर 1 ट्रिक यही है कि जब भी आप कोई भी मैच खेलो तो उसमें ट्राई करो कि आप अच्छा परफॉर्म करो। इससे परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब नंबर्स में आपको मिल सकते हैं ये मैजिक के फ्रेगमेंट्स, कि आप ज़्यादातर अच्छा से अच्छा परफॉर्म करो, इससे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। अब ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी मैच खेलते हो तो लगातार आप वही मैच नहीं खेलो। जैसे आपने क्लैश स्क्वाड शुरू किया, ठीक है, क्लैश स्क्वाड जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे आपने क्लैश स्क्वाड मैच शुरू किया, ठीक है, तो आप अगला मैच भी क्लैश स्क्वाड नहीं खेलो। अगर आपने एक मैच क्लैश स्क्वाड खेला तो दूसरा मैच क्लैश स्क्वाड रैंक खेलो। अगर क्लैश स्क्वाड रैंक आप खेल चुके हैं, ठीक है, तो क्लैश स्क्वाड खेलो, फिर उसके बाद रैंक खेलो, उसके बाद बरमूडा में खेलो या फिर परगेटरी में खेलो। ऐसे कर करके खेलोगे तो आपको मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप एक ही मैच मतलब एक ही मैप में बार बार खेलोगे या एक ही तरह के मैच बार बार खेलोगे तो आपको मिलने के चांसेस भी कम होते हैं और आपको मिलेंगे भी नहीं उतने ज़्यादा, ठीक है, जिससे मुझे भी बहुत सारे मैचेस में नहीं भी मिले हैं। तो इसका यही कारण है कि आप एक ही मैच बार बार खेलते हो, जैसे आपने डेथ या किल मोड जो भी नया नया आया वो खेल रहे हो, तो ट्राई करो कि लगातार आप वही ना खेलो, एक बार किल मोड खेलो तो अगली बार आप क्लैश स्क्वाड खेलो, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये थे हमारे 2 ट्रिक जिससे आप मैजिक के फ्रेगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब मैच में क्लेम कर सकते हो। सो जल्दी से जल्दी आप इसे यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप अगर रात भर भी खेलोगे मतलब अगर 3-4 घंटे भी खेलोगे तो आप अच्छा खासा कलेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ इस ट्रिक को जल्दी से आप यूज़ कर लो।